गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में मतदान संकल्प कार्यक्रम का आयोजन गोलघर स्थित एसोसिएशन के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह गोजय के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र श्रीवास्तव, सिविल कोड बार एसोसिएशन गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष राकेश दुबे सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने कहा कि मताधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारी जागरूकता की पहचान है। देश के प्रत्येक नागरिक को अनुशासन के साथ मताधिकार का प्रयोग कर बेहतर और सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने बड़ी संख्या में उपस्थित पत्रकारों व अन्य वर्ग के उपस्थित लोगों को मतदान का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि आज भारतवर्ष विश्व के सबसे बड़े और सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित है। हमें न केवल स्वयं मतदान करना होगा वरन अपने घर के बुजुर्गों को भी मतदान के लिए प्रेरित करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोजय अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा, हम एक बात जरूर करना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जितना पावर शासन कार्रवाई करता है और हाईकोर्ट रोक देता करते हैं, तो एमपीए मिले का क्या काम कर हमारे समाज सवाली बातों को यहाँ हम लोग एकत्र हुए हैं, कुछ रुकता है कुछ समझता है। मुंबई जी ने काफी एक लंबा अनुभव है अधिवक्ता पुलिस कोर्ट, तो निश्चित तौर के साथ एकत्र तो लगभग बाकी बहुत ही संक्षेप में हमारा देश विश्व में एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित होता है। आज जब भारत की विश्व में गणना की जाए तो सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत जाना जाता है। बहुत ही कम देश ऐसे हैं जहाँ की जनता को ये सीधे अधिकार है कि वह अपने सरकार को चुने, सत्ता चलाने वालों को चुने। तो जब ये अधिकार हमें मिला हुआ है और हर 5 साल में लोकसभा का, विधानसभा का या अन्य जो हमारे चुनाव के जो हमारे जो बॉडीज हैं उनका अवसर हमें अक्सर मिलता रहता है, और अगर हम अवसर को छूट जाते हैं तो निश्चित रूप से जो सरकार बनती है वह सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अभी देखा गया जब 5 चरणों के चुनाव जो हुए वह 55%, 60%, 65%, कहीं कहीं 70% जो चुनाव हुए, इसका मतलब कि जनता की संपूर्ण सहभागिता नहीं हो पाती। अगर 50% या उससे आस पास चुनाव मतदान होते हैं तो इसका मतलब कि 40-50% लोग हैं जो मतदान नहीं कर रहे हैं, और उनके मतदान न करने से सरकारों का, व्यक्तियों का सही प्रतिनिधित्व देश को प्राप्त नहीं हो पाता। और विशेष करके जो हमारे घर में जो महिलाएँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, पत्नियाँ हैं, हमारे बुजुर्ग गुरुगण हैं घर में, वह किसी कतिपय कारणों से घर से नहीं निकलते, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि न किसान हम मताधिकार का प्रयोग स्वयं करें बल्कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो औरतें होती हैं जो अक्सर किचन में रह जाती हैं या लोगों की सेवा जीवन पर्यन कर परिवार की सेवा करते रहती हैं, दरमान या व्यक्तियों की जो नजदीकी का होते हैं घर में आते हैं उनकी सेवा करती रहती हैं, कभी कभी लापरवाही में घर की मुखिया के द्वारा शर्मिंद हो जाती हैं और उनको निकलती नहीं हो सकने के लिए, तो यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ है वह न सिर्फ मतदान करे बल्कि अपने मित्रों के साथ, अपने घर के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। और मताधिकार का प्रयोग करते समय कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी कौन नहीं बनाएगी, अगर हर चुना हुआ व्यक्ति अच्छा हो, अच्छे संस्कृति का मालिक हो, ईमानदार हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, तो जो भी व्यक्ति चुना जाएगा चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो वह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। तो हमारे लिए ये अति महत्वपूर्ण है कि हम सरकार बनाने के विचार न चुने, हम एक अच्छा विपक्ष भी तैयार करें, एक मजबूत विपक्ष एक सरकार के साथ अगर जब उन्हीं के सरकार चलाता है तो निश्चित रूप से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। तो सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का होना भी अति आवश्यक है, लेकिन मजबूत विपक्ष के जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं वह निश्चित रूप से अच्छे व्यक्तित्व के मालिक होना चाहिए, अच्छे निष्ठा के राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्तियों का ही समूह होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में 500 से 500 के आसपास जो चुने जाते हैं व्यक्ति और 50% से ज़्यादा लोग जो बढ़कर 73 जो एम पी होते हैं वह
सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, 5 वर्ष तक अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए व्यवसाय बनाते हैं, लेकिन जो उनके साथ बैठा हुआ विपक्ष है जो क्रिकेट की तरह होता है और सरकार के द्वारा की गई गलतियों को उजागर करता रहता है, तो जरूरत है जरूरत से सरकार इस मन के काम करती है। और हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि व्यवस्था अच्छी चलानी है, अच्छी तरह से समाज को दिशा देनी है, जो निंदक मूल्य राखी हमारे संस्कृति की है। तो हम एक निंदक का मतलब ये नहीं है कि जो हमेशा आदमी कमी नहीं होता है, हाँ हमारा सरकार चला रहे हैं, जो भी पार्टी सरकार चला रही है, जो भी समूह सरकार चला रहा है, विपक्ष की पहली निगाह उससे होनी चाहिए। और हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, व्यवस्थाएं हमें की जाती हैं, संविधान ने हमें ये अधिकार प्रदान किया है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें, फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हुए हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव, इन सब प्रॉपर्टी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी फंडामेंटल में एक फंडामेंटल राइट है राइट टू वोट। तो हम राइट टू वोट का अपने अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और निश्चित रूप से अगर हम जागरूक नागरिक के रूप में हम अगर इस फंडामेंटल राइट का उपयोग करेंगे, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, उसके आधार से हम अच्छे राष्ट्र निर्माण करेंगे। और चूँकि हम ऐसे वोटर जो कि 50 साल के आसपास हो गए हैं या बुजुर्ग हैं या थोड़ा वर्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका यह अति दायित्व है कि युवा वर्ग जो 35 साल से कम है, 30 साल से कम है, 35 साल के आसपास है, 30 साल के ऊपर जो भी हमारे 50 साल से ऊपर जो भी हमारे वोटर हैं, उनको भी प्रेरित करें कि वह इतने हालांकि युवा बहुत उत्साहित है, युवा परसेंटेज अपने आप में करके काफ़ी आता है। और पहली बार जो वोट देने जाते हैं, मैं सबको उनको शुभकामनाएं देता हूँ और सबको अपील करता हूँ कि वह आगे 5 चरण तक के एक अनुशासन को अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान करें। आगामी 19 मई 2019 को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा के चुनाव में स्वयं मतदान करेंगे, देखिए हम ये मानकर चलते हैं कि लोकतंत्र का तभी मजबूत आधार बनेगा जब देश का हर नागरिक जो मतदाता सूची में है वो मतदान का प्रयोग अवश्य से अवश्य करे। हम ये देख रहे हैं कि कहीं 60% कहीं 55% और जब बहुत ज़्यादा उड़कर होता है मतदान तो 70% मतदान रहता है। आप औसतन देखें तो हर चरण में 30 से 40% लोग वोट नहीं दे रहे हैं। और जब हमारे प्रतिनिधि जो जाते हैं इसमें वो उन जो 40% वोट नहीं दिए रहते हैं, फिर वो बाद में सिर्फ सिवाय अफसोस करने के वो कुछ नहीं कर पाते हैं कि हमने अगर काश वोट दिया होता तो हम बेहतर को चुनते। एक अच्छा मतदान करके हम एक अच्छे नेता को चुनते हैं, वो नेता चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वह विपक्ष में होगा तब भी वह बेहतर कानून बनाने में हमारी मदद करेगा, बेहतर पर चर्चाएं करेगा, चर्चाएं होंगी बेहतर संसद में। तो इसलिए हमने आज गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो पत्रकारों की एक बहुत सबसे गोरखपुर की सबसे पुरानी प्रतिनिधि संस्था है, हम ये अपना एक कर्तव्य मानते हैं कि नागरिकों को जागरूक करें। हम सिर्फ लेखनी से ही नहीं पत्रकार होता है, पत्रकार एक सोच से भी होता है। तो हमारी जो संस्था है यह इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में रहती है और इसीलिए हम लोग ने आज जब किया तो इसमें हमारे साथ जुडिशियरी के लोग भी आए, हमारे साथ व्यवसाय के से जुड़े हुए लोग भी आए, हमारे साथ कला और संस्कृति से जुड़े हुए भी नामचीन लोग आए, जो जिनके नाम के साथ यह अभियान एक निश्चित गति पकड़ेगा और इससे लोकतंत्र को लाभ होगा।